हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन में क्या है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन क्वेश्चन नंबर इलेवन टू फिफ्टीन प्रूव दैट तो ये आपको डिटर्मेंट की वैल्यू प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के बराबर तो अब इस डिटर्मेंट को देखते हैं ये डिटर्मेंट में आप देखिए कॉलम वन और कॉलम थ्री को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेकेंड रो में एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और थर्ड में भी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा तो ये तो तीनों एलिमेंट सेम आ जाएंगे कॉलम वन में तो कॉलम वन में ऐड कर देते हैं कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री कर देते हैं इसको तो क्या बनेगा ये डिटर्मेंट की वैल्यू आ जाएगी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अंदर है एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा अब और देखिए एक और चीज राइट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो यहां से भी हिंट लग सकती है कि एक फैक्टर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स ये बन सकते हैं ये फैक्टर कॉमन ले सकते हैं इससे तो अब कॉलम वन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन तो ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अंदर बचा वन 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 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस एल्फा एल्फा प्लस बीटा अब ये पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट्स वन बन, बन गए अब इसके आगे क्या करते हैं यहां जीरो और यहां जीरो बना लेते हैं रो टू को रो टू से रो वन सब कर लें और रो थ्री से भी रो वन सब कर लें रो टू से रो वन सब कर लें और रो थ्री से भी रो वन सब कर लें यह आएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अंदर पहली रो सेम रही बीटा प्लस गामा और यह हो गया जीरो यह हो गया बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर यह हो गया गामा प्लस एल्फा माइनस बीटा माइनस गामा तो ये हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा अगला वाला रो थ्री रो थ्री से रो वन सब रहे हैं तो ये जीरो गामा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर और ये माइनस ये करना है तो बीटा तो कैंसिल हो जाएगा और एल्फा माइनस गामा आपका बच जाएगा अब इसमें रो टू में देखिए ये अल्फा माइनस बीटा है और बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और इसको फैक्टराइज कर दे तो एल्फा माइनस बीटा और एल्फा प्लस बीटा अगर रो टू से यह है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रो टू से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लें अल्फा माइनस बीटा अगर कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा रो टू में यह तो जीरो ही रहेगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हटा दिया यहाँ से तो बचा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आ गया वन सिमिलरली रो थ्री से हम अल्फा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं अल्फा माइनस गामा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे बच जाएगा माइनस ऑफ गामा प्लस एल्फा और यहां पे वन बाकी ये रो तो सेम रही एल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा अब यहां पे दो जीरोज आ गए इनको एक्सपेंड कर लेते हैं एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एल्फा माइनस बीटा एल्फा माइनस गामा इसके अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम वन के अलोंग यह आएगा डिटर्मेंट की वैल्यू वन इंटू माइनस ऑफ अल्फा माइनस माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस ऑफ माइनस गामा प्लस अल्फा ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा अंदर ये वन बन तो बनी रहा माइनस अल्फा माइनस बीटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस गामा प्लस अल्फा 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 कैंसिल हो गए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एल्फा माइनस बीटा एल्फा माइनस गामा और गामा माइनस बीटा अब हम देखें हमको आप, हमको प्रूफ क्या करना था एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला टर्म है हमारे पास एल्फा माइनस बीटा टर्म है गामा माइनस एल्फा और बीटा माइनस गामा यह है ये है गामा माइनस एल्फा और बीटा माइनस गामा ये दोनों रिवर्स में है तो दोनों से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो वो तो मल्टीप्लाई होकर प्लस वन बन जाएगा तो ये बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एल्फा माइनस बीटा ये हो जाएगा गामा माइनस एल्फा ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये आपका प्रूव हो गया